हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगमोहन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला के 50 टॉप क्वेश्चन। ये टॉप क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन टॉप क्वेश्चनों में से आपको हर एक प्रतियोगिता में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलो चलते हैं, इन 50 क्वेश्चनों को देखते हैं। नंबर एक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? हमारी हिंदी भाषा में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। कई किताबों में देखा गया है कि किसी किताब में 48 दिए हुए हैं, 46 दिए हुए हैं, लेकिन दोस्तों हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? हमारी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि दो अयोगवाह और मिला दिए जाएं, अंग और अह, तो कुल मिलाकर 13 हो जाते हैं, नहीं तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में जो मूल स्वर होते हैं वो 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और री। बस हिंदी भाषा में ये 4 मूल स्वर हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर हमारे या और वा हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। या और वह हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो अंग और अह जो हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर के नहीं बोली जाती, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर के नहीं बोली जाती क्या कहलाती हैं? स्वर, व्यंजन, शब्द या अक्षर? दोस्तों जो हमारे व्यंजन हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जाते, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से बताए थे, हमारे ऊष्म व्यंजन थे जिनके उच्चारण में एक ऊष्मा सी निकलती है, जैसे श, स, श और ह, इनके उच्चारण में ऊष्मा से निकलती है, इसलिए हमारा ऊष्म इनमें से ऊष्म व्यंजन है ह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड, अड, अढ, त, थ, ड, ढ या श, ष। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वो व्यंजन जिनसे कभी भी शब्द शुरू नहीं होते उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, अड और अढ़, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया था कि वो व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, वर्णों से मिलकर बने हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो हमारा इसका ऑप्शन है
अक्ष त्र स्र अज्ञ। ये हमारा इसका ऑप्शन ए है, अक्ष त्र स्र ज्ञ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। हमारे जो कुल स्वर थे हमारे 11 थे, जिनमें से हमारे 4 लघु थे और 7 दीर्घ स्वर थे, इसलिए हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। अब हमने बताया था आपको कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं क ख ग और घ, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं क ख ग और घ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तालु से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों तालु से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। तालु जो हमारे जीभ से ऊपर वाला भाग है जबड़े का, और जब हमारी जीभ ऊपर टकराती है तो तालु कहलाता है। तो तालु से बोले जाने वाले व्यंजन हमारे होते हैं, तालु से बोले जाने वाले व्यंजन हैं हमारे, जो हमारा ऑप्शन ए है क ख ग घ। ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, य र ल व, य र ल व हमारे अंतस्थ हो गए, च छ ज झ, हमारी जीभ तालु से इसमें टकरा रही है। और ये देखो डी जो ऑप्शन है हमारा प फ ब भ, जिनसे हमारे होठ आपस में मिलकर ये वर्ण बोले जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है हमारा सी, च छ ज और झ, ये हमारे तालु से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। मूर्धा हमारा ऑप्शन है ए ट ठ ड ढ, ऑप्शन बी क ख ग घ, ऑप्शन सी च छ ज झ और डी प फ ब भ। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे क ख ग घ हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, डी ऑप्शन है हमारा प फ ब भ, ये हमारे ओठ से बोले जाते हैं, च छ जे तालु से, और जो हमारे ट ठ ड ढ ये हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। अब जिस मूर्धा से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, जब हमारी जीभ का आगे वाला भाग हमारे तालु के पिछले वाले भाग से टकराता है और हमारी जीभ मुड़ जाती है, तो वो होते हैं मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन। तो इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ए ट ठ ड ढ, मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं ट ठ ड ढ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दंत से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों दंत से बोले जाने वाले व्यंजन त थ द ध क ख ग घ च छ ज झ प फ ब भ। तो हमने ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी हमने हमारे पीछे याद हुआ, तो हमारा इसमें दंत से बोले जाने वाले त थ द ध, ये देखिए हमारे दांत जीव हमारे दांतों से टकरा रही है तब जाके ये व्यंजन बोले जा रहे हैं, इसलिए हमारे इस सवाल का जो आंसर है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हुआ हमारा ए त थ द ध, जो हमारे दंत से बोले जाने वाले व्यंजन हैं ऑप्शन इसका है ए त थ द ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि होठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। त थ द ध ऑप्शन ए, ये हमारा
दंत से बोला जा रहा है, क ख ग घ, ऑप्शन बी ये हमारा कंठ से बोला जा रहा है, ऑप्शन सी च छ ज झ ये हमारा तालु से बोला जा रहा है, और देखिए ऑप्शन डी प फ ब भ इसमें हमारे होंठ आपस में टकरा रहे हैं और ये व्यंजन निकल रहे हैं, तो ओश से बोले जाने वाले व्यंजन हमारा ऑप्शन है इसका डी। तो ये हमारा ओश से बोले जाने वाले को व्यंजन जो हमारे हैं वो इसका आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णमाला जो है वर्णों के समूह को कहते हैं, यह वर्णमाला शब्द समूह को कहते हैं, यह वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं। हमने वर्णमाला की परिभाषा बताई थी आपको कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये इसका सही आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो हमारे होठों से नहीं बोला जाता। ये देखिए य प फ ब, प फ ब हमारे होठ आपस में टकरा रहे हैं, तो ये तो क्या हुए, ये हमारे ओष्ठ हैं, और हमारा जो य है य य हमारा अंतस्थ है, इसलिए इसका जो सही आंसर है जो ए है य, यह हमारा ओष्ठ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? नासिक्य व्यंजन जो हमारे पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन का जो आखिरी व्यंजन होता है वो नासिक्य व्यंजन कहलाता है। तो नासिक्य व्यंजन देखिए इसका ऑप्शन है ए न म ण य, बी च छ ज झ, सी ट ठ ड ढ, डी प फ ब भ। तो देखिए जो इसका ऑप्शन ए है, जो इसका ऑप्शन ए है न म ण और य, ये हमारे नासिक्य व्यंजन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ए और अय, ए और अय किस प्रकार के स्वर हैं? ये हर्ष स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं या प्लुत स्वर हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्वर हैं वो चार प्रकार के होते हैं, और ये जो हमारा ए और अय आता है ये संयुक्त स्वर में आता है। किस में आता है? संयुक्त स्वर में। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो उत्तर है, सही उत्तर है उसका है संयुक्त स्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो अक्षर है वो किस वर्ण के बाद आएगा? जो अक्षर है हमारा वो आता है क के बाद, क्योंकि अक्षय जो है इसका जो ये बनता है क प्लस श, क प्लस श के बाद से मिलकर बनता है, और ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसलिए अक्षय शब्द हिंदी शब्दकोश में क के बाद आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अक्षय वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? जो हमारा अक्षय वर्ण है वो किन वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन ए क प्लस श प्लस ल, क प्लस श प्लस ल, क प्लस श, क प्लस छ। देखिए जो हमारा अक्षर वर्ण है वो क प्लस श प्लस अ के योग से बना है, इसलिए इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, क प्लस श प्लस अ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? देखिए जो हमारा ऑप्शन है ज प्लस य प्लस अ, ग प्लस य प्लस अ, ज प्लस य, ज प्लस य, लेकिन इसका जो सही उत्तर है इसका उत्तर है ए,
ज प्लस य प्लस अ। तो इसका सही उत्तर ये है, ये हो गया हमारा ज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है स्र, स्र वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। जो हमारा स्र है ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है, और जो स्र है देखिए स प्लस र प्लस अ, इसका ऑप्शन बी है स प्लस र, ऑप्शन सी स र अ, ऑप्शन डी स प्लस र। लेकिन इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ए स प्लस र प्लस अ, ये इन वर्णों के योग से बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है त्र वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। जो त्र वर्ण है हमारा किन वर्णों के योग से बना है। दोस्तों जो हमारे संयुक्त वर्ण है ना चार वर्ण, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, और ये ऐसे भी आ जाता है कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, ये ऐसे भी आ जाता है ये कि ये किन वर्णों के योग से बने हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन है त प्लस र प्लस अ, इसका ऑप्शन बी है त प्लस र प्लस अ, ऑप्शन सी त प्लस र, ऑप्शन डी त प्लस र प्लस अ। जो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है हमारा त प्लस र प्लस अ, इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में रि स्वर नहीं है। जो हमारा रि स्वर है वो मूल स्वर में आता है, और इस जो प्रश्न है इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो ये चार शब्द दे रखे हैं इनमें रि शब्द किस, रि स्वर जो है वो किस शब्द में नहीं है। ये देखिए हमारा ऑप्शन ए है कृपा, कृपा में क्री आता है। ऑप्शन बी है कृष्णा, कृष्णा में हमारा क्री री आ रहा है। अब ये देखिए ऑप्शन सी है रे, रे पे छोटी की मात्रा ब्याज रिवाज। ऑप्शन डी द, द में री आ रहा है देखो शटी दृष्टि। तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी, जो सी है हमारा उसमें री नहीं आया है, इसलिए इसका सही आंसर है रिवाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क ज ग फ ध्वनियाँ कौन सी भाषा की हैं। दोबारा सुनिए क ग ज फ ध्वनियाँ कौन सी भाषा की हैं। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या मलयालम। ये देखिए ये हमारे ये ध्वनियाँ जो हैं क ज फ, ये ध्वनियाँ ये दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं, इसलिए इसका सही आंसर है सी अरबी फारसी। ये ध्वनियाँ अरबी फारसी से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है अरबी फारसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में रि स्वर है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि इस शब्द में रीश्वर नहीं है, इस शब्द इस जो ये प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है किस शब्द में रीश्वर है। ये देखिए ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी रिश्ता। तो ये देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा सृष्टि, सृष्टि रि इसमें आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर इसका ए है सृष्टि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ओ और औ, ओ और औ क्या हैं। स्वर हैं, व्यंजन हैं, शब्द हैं या वाक्य हैं। ओ और औ हमारे क्या हैं, स्वर हैं, जो इसका सही आंसर है ए स्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमारी स्वर ध्वनि हैं उसके प्रकार कितने हैं। जो हमारी स्वर ध्वनि हैं, जो हमारे स्वर होते हैं उनके प्रकार कितने हैं। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी सात। दोस्तों जो हमारे स्वर हैं उनके जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। कौन कौन से, लघु, लघु जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं अ ई उ
और री, और जो हमारे दीर्घ स्वर हमारे होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे सात होते हैं, और एक होता है हमारे प्लुत स्वर। इसलिए हमारे जो स्वरों के प्रकार हैं वो तीन हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो इसका सही आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखिए, मैंने बताया था आपको जो पांच वर्ग थे हमारे, क वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। अब देखिए, ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी क, ऑप्शन सी ट। जो हमारा प है वो स्पर्श व्यंजन है, क है, क भी स्पर्श व्यंजन है, ट है, ट भी स्पर्श व्यंजन है। तो हमारा स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? हमारा स्पर्श व्यंजन ह नहीं है। ह हमारा कौन सा व्यंजन है? ह हमारा है ऊष्म व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ह। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की ष ध्वनि है, हिंदी की ष ध्वनि है, ए अंतस्थ, बी संयुक्त, सी स्पर्श, और डी ऊष्म। जो हमारी हिंदी ष ध्वनि है, ष ध्वनि के उच्चारण में ऊष्मा से निकलती है, इसलिए जो हमारा इसका सही आंसर है, सही आंसर है इसका है ऊष्म। तो इसका हिंदी की ष ध्वनि है ऊष्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण शब्द का अर्थ इनमें से क्या क्या, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है अक्षर। तो जो वर्ण है, वर्ण का जो अर्थ नहीं है, वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है, इसलिए जो इसका आंसर सही है वो है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अर्थात ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो जिस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है? ये ऑप्शन है मेरठ, मेरठ में देखो एक ही मात्रा लग रही है, दवा खाना, व पे आ की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, ऑप्शन सी अजगर, ऑप्शन डी स्कूल, क पे बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हुआ ऑप्शन सी अजगर। अजगर पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए अमात्रिक शब्द है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। ट ट ठ ड ढ, हमारी जीभ तालु के पिछले वाले भाग से टकरा रही है और मुड़ रही है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब हमारी जीभ तालु के पिछले वाले भाग से टकराएगी और मुड़ेगी तो वो कौन से वर्ग में आते हैं? वो मूर्धा वाले वर्ग में आते हैं। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूर्धा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी स्र, ऑप्शन डी श। जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन हमारा ऑप्शन इसका आता है ऑप्शन डी, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण दंतोष्ठ नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण दंतोष्ठ नहीं है, मतलब निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए है म, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी व। जो म है, म ये ओष्ठ व्यंजन है, फ है ये भी ओष्ठ व्यंजन, द है द, ये दंतो दंत,
और व। देखो ये दांत और ओष दोनों से मिलकर बोला जा रहा है, इसलिए जो हमारा इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है हमारा डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णों में कौन सा वर्ण दंतोष्ट है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, व। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ और तालु से बोला जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन ए है ट, ऑप्शन बी है ह, ऑप्शन सी है य, ऑप्शन डी है ऐ। जो हमारा ट है वो मूर्धा से बोला जाता है, जो हमारे ह है वो हमारा ऊष्म व्यंजन है, य है ये हमारा अंतस्थ है, और ऐ जो हमारा ऐ है ये हमारा बोला जाएगा कंठ और तालु से, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो डी है, ऐ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। दोस्तों हमने आपको लघु स्वर बताए थे, दीर्घ स्वर बताए थे, संयुक्त स्वर भी बताए थे। तो जो हमारा ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ऊ, ऑप्शन डी है ओ। जो हमारा ऑप्शन ए है आ, ये मिलके बना है एफ अ प्लस अ, ये हो जाता है आ, ये हमारा दीर्घ स्वर है। ऐसे ही हमारा ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन बी है हमारा ई, तो ये ई प्लस ई, ई प्लस ई मिलके बन जाता है ई। ऑप्शन सी है हमारा ऊ, ये ऊ प्लस ऊ मिलके बना है, तो हमारा ए बी सी ये तीनों के तीनों दीर्घ स्वर हैं। और अब हमारा बचा ऑप्शन डी ओ, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से वर्ण संस्कृत में नहीं मिलते। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ण संस्कृत में नहीं मिलते। ऑप्शन ए है अड़ अढ़, ऑप्शन बी है ब भ, ऑप्शन सी है त थ, ऑप्शन डी है य और व। दोस्तों ब भ य व त थ सारे के सारे वर्ण जो हैं हमारे संस्कृत में मिलते हैं, लेकिन जो हमारे ऑप्शन जो हमारा ए है अड़ और अढ़, ये क्या हैं, ये हमारे अयोग, ये हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने बताया था आपको कि वो वर्ण, वो व्यंजन जिनसे कभी भी कोई भी वाक्य शुरू नहीं होता, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इन ये जो ऑप्शन हमारा ए है, इन वाले वर्णों से कभी भी हमारा जो वाक्य है वो शुरू नहीं होगा, इनसे कोई भी अक्षर नहीं बनता, ये हमेशा अक्षर के वाक्य के बीच में आते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन है ए, ए संस्कृत, ये जो ड और ढा हैं ये संस्कृत में नहीं मिलते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। अभी पीछे आया था कि कौन सा दीर्घ स्वर है, इसमें आया कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। जो हमारा आ ई, ऑप्शन ए है हमारा आ, ऑप्शन बी है हमारा ई, ऑप्शन सी है हमारा ई, और ऑप्शन डी है हमारा ऊ। तो हमारा इनमें जो दीर्घ स्वर नहीं है, इसका सही आंसर है हमारा ई, ई जो हमारा है वो दीर्घ स्वर नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। देखिए हमने बताए थे आपको जो विसर्ग है अंग और अह, अंग जो हमारा अनुस्वार है, जो विसर्ग है हमारा अह, ये अयोग वाह में आते हैं। और जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अंतस्थ, ये हमारा विसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग और घ का उच्चारण कहाँ से होता है। तालु से होता है, कंठ से होता है, दंत से होता है, या मूर्धा से होता है। तो देखिए हमने स्पर्श व्यंजनों में आपको बता दिया था कि ग और घ का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कहाँ से होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा
कंठ से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है, निम्न में से कौन भिन्न है। इनमें तीन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन एक जो है इनमें अलग है, तो वो हमें अलग छांटना है कि वो अलग कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी फ। तो देखिए, हमारा य र ल ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, और जो हमारा फ है ये हमारा ओष्ठ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में आता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर है, इसका हमारा सही आंसर है डी। तो ये हमारा इनमें से जो भिन्न जो व्यंजन है हमारा, वो डी है, फ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और ए का जो उच्चारण कहाँ से होता है, ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है। ऑप्शन ए कंठ प्लस तालु से, मूर्धा से, दंत प्लस ओष्ठ से, या डी ओष्ठ ओष्ठ से। तो जो हमारा इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर है हमारा कंठ और तालु। जो हमारा ए और ए हमारा कंठ और तालु से बोले जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक व्यंजन नहीं है। मैंने अनुनासिक व्यंजन आपको बताया था कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन का जो अंतिम व्यंजन है वो अनुनासिक व्यंजन होता है। तो हमारा अण न, जो हमारा ऑप्शन है ए न, बी म, सी अण और डी अण। तो इनमें देखिए, जैसे देखने से ही पता चल रहा है जो इसका सही आंसर है, उसका सही आंसर है डी। इनमें जो अड़ा है वो अनुनासिक व्यंजन नहीं है, जो अड़ा है ये हमारा क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भिन्न है। यानी कि तीन जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जो एक है वो इनसे अलग है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी श, ऑप्शन डी प। तो देखिए, हमारा ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी श, ये तीनों के तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, और जो हमारा ऑप्शन डी है प, ये हमारा ओष्ठ व्यंजन है। इसलिए जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, और इस वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए इस वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।